आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन रद्द हो गया। पहले दिन टॉस भी नहीं हो सका। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम टॉस का इंतजार कर रही है। WTC फाइनल इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर होगा और यहाँ पांचों दिन बारिश के आसार हैं। ऐसे में यहाँ तेज गेंदबाजों को मदद मिलनी तय है। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के रूप में दो स्पिनरों को रखा है। इसके अलावा ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज होंगे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अब चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। पिच अब भी हरा है और बारिश के बाद यहां स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, चार तेज गेंदबाज नील वेगनर, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और टीम साउदी के साथ उतरेंगे। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि मौसम को देखते हुए टीम इंडिया को एक अतिरिक्त बल्लेबाज को मौका देना चाहिए और प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही स्पिनर होना चाहिए। हालांकि फील्डिंग कोच आर श्रीधर का कहना है कि पहले दिन का खेल बारिश से धुलने के बाद भी प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं किया जाएगा। अब बारिश ने कीवी कप्तान विलियमसन की राह आसान कर दी है। विलियमसन टीम में सातवें नंबर स्पिनर एजाज पटेल की जगह कालिन डी ग्रैंडहोम को शामिल कर सकते हैं। ग्रैंडहोम सीम गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजी की कमान खुद विलियमसन संभाल सकते हैं। इंग्लैंड में विलियमसन का रिकॉर्ड भी अच्छा है और उन्होंने 9 विकेट हासिल किए हैं। इंग्लैंड में विलियमसन का स्ट्राइक रेट भी 38 है। लेंथम ने कहा कि हमने अभी तक अंतिम एकादश की पुष्टि नहीं की है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि हमें विकेट देखने का समय कब मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि केन विलियमसन और कोच गैरी स्ट्रीट के पास कुछ योजनाएं होंगी। हमें कवर उठने का इंतजार करना होगा ताकि हमें खेलने का मौका मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश, दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।